नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। दुनिया का कोई भी देश जहां पे स्वस्थ प्रजातंत्र है, हेल्दी डेमोक्रेसी है, चाहे वो छोटा देश है या बड़ा देश है, उस देश की अर्थव्यवस्था को उस देश का प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही मिलकर चलाते हैं। उस देश की अर्थव्यवस्था में जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी व्यापार हैं, उनमें से कुछ सरकार के अधीन होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं। जैसे कि अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें तो हमें पता है कि हमारे देश में कुछ बिजनेस, कुछ कंपनीज सरकारी हैं, कुछ कंपनीज प्राइवेट हैं। सरकारी कंपनीज हैं जैसे कि NTPC, BHEL, BEL और भी काफ़ी सारी हैं। ऐसे ही प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे कि टाटा ग्रुप हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, विप्रो एटसेट्रा। अगर कोई कंपनी सरकार के अधीन है तो भी उसको सिविलियंस ही चला रहे हैं, उसमें सिविलियंस ही नौकरी कर रहे हैं, उसमें सारे डिसीजन मेकर्स जो हैं, स्टेक होल्डर्स, वो सिविलियंस ही हैं। ऐसे ही अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो भी उसको सिविलियंस ही चला रहे हैं। और यही रिवाज है दुनिया का, यही दुनिया के हर अच्छे देश का, हर डेमोक्रेटिक देश की अर्थव्यवस्था का यही चलन है, यही रिवाज है। उस देश की अर्थव्यवस्था को, बिजनेसेस को सिविलियंस ही चलाते हैं, मिलिट्री का, आर्मी का, फौज का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन दोस्तों, एक मुल्क ऐसा है जो अपने आप को डेमोक्रेटिक नेशन कहता है, लेकिन वहां का सबसे बड़ा बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट, वहां का सबसे बड़ा व्यापारी ग्रुप चलाया जाता है वहां की आर्मी द्वारा। हाँ दोस्तों, आपने सही अनुमान लगाया, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम के मसीहा, मुस्लिम उम्मा के सरदार, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो अपने आप को न्यूक्लियर पावर बताता है, पाकिस्तान जिसके पास दुनिया की छठी सबसे बड़ी फौज है और छठी सबसे बड़ी आबादी भी है। उस पाकिस्तान में बिजनेस, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, उसको कंट्रोल करती है पाकिस्तान आर्मी। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान की इकोनॉमी और बिजनेस को किस तरीके से कंट्रोल करती है, उससे पहले मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी और बिजनेस का, कॉरपोरेट वर्ल्ड का क्या हाल है, ये तो किसी से ढका छुपा नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर हम पाकिस्तान की रैंक देखें तो 147 है पाकिस्तान की रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। 2014 में इंटरनेशनल मार्केट से पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड्स के जरिए $500 मिलियन उठाए 8.25, यानी कि 8.25% के यील्ड रेट पर। वहीं इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी इंटरनेशनल मार्केट से $750 मिलियन उठाए, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज को जो यील्ड रेट मिला वो था 2.5, यानी कि 2.5%। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान की रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि एक प्राइवेट एंटिटी है, इंटरनेशनल में उसकी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान, जो कि एक मुल्क है, न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान, पाकिस्तान जिसकी छठी सबसे बड़ी मिलिट्री है, उससे ज्यादा क्रेडिबिलिटी हमारे देश की रिलायंस इंडस्ट्रीज रखती है, जो कि एक प्राइवेट एंटिटी है। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट चलाती है, जिसकी नेटवर्थ है $20 बिलियन से भी ज्यादा, और इसके अंडर 50 से भी ज्यादा कमर्शियल एंटिटीज आती हैं। पाकिस्तान आर्मी पेट्रोल पंप से लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स, बैंक्स, बेकरीज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज, होजरी फैक्ट्रीज, मिल्क डेरीज, स्टड फार्म्स और सीमेंट प्लांट तक कंट्रोल करती है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा और प्रॉफिटेबल धंधा है रियल एस्टेट का। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के अर्बन एरियाज की, प्राइम लोकेशंस की लैंड को कंट्रोल करती है और उसकी खरीद फरोख्त भी करती है। चाहे बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस की बात हो, बड़े बड़े मॉल्स की बात हो, या गगनचुंबी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हो, इनमें से कोई भी चीज हो, वो बिना पाकिस्तान आर्मी के आशीर्वाद के ना तो शुरू हो सकती है, ना उसकी खरीद फरोख्त हो सकती है। पाकिस्तान आर्मी वर्दी पहने हुए लैंड माफिया की तरह पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, जिसके ऊपर कोई लगाम नहीं है, ना ही किसी की हिम्मत है कि उसके ऊपर किसी तरह की लगाम कस सके। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान आर्मी इन प्राइम लोकेशंस की बहुकीमती लैंड को कैसे कंट्रोल करती है। दोस्तों, इसकी शुरुआत की जनरल अयूब खान ने, जिसने कि पाकिस्तान आर्मी के सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स को पंजाब और सिंध की प्राइम लोकेशंस की लैंड को हाईली सब्सिडाइज्ड रेट, यानी कि कोड़ियों के भाव अलॉट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद आया जनरल जियाउल हक, जिसने ना कि इस प्रथा को जारी रखा, बल्कि इस प्रथा को और परवान चढ़ाया। उसने एक कदम और आगे जाते हुए पाकिस्तान आर्मी के सर्विंग ऑफिसर्स को बाकी और बिजनेसेस में भी, टेंडर्स में, उनके लॉजिस्टिक्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, किसी भी टाइप की बिजनेस डील में पाकिस्तान आर्मी के सर्विंग ऑफिसर्स को की इन्वॉल्वमेंट को शुरू करवा दिया। यहां से शुरुआत होती है पाकिस्तान आर्मी के फाइनेंशियल करप्शन की। प्लॉट्स की अलॉटमेंट से लेके कंपनियों के लॉजिस्टिक्स, टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स में पाकिस्तान आर्मी की इन्वॉल्वमेंट ने नेपोटिज्म और भ्रष्टाचार को भी जन्म दे दिया था। प्राइम लोकेशंस में कोड़ियों के भाव मिले प्लॉट्स को पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स गगनचुंबी मार्केट प्राइसेस पर अमीर सिविलियंस को बेचने लगे, और इस पैसे का इस्तेमाल होने लगा पाकिस्तान आर्मी द्वारा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए। इसी पैसे का इस्तेमाल करके पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में, सेक्टर्स में घुसती चली गई, और एंटरप्राइजेस एक के बाद एक कंपनियां लॉन्च करती चली गई, और धीरे धीरे पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर बन गई, भागीदार बन गई। पाकिस्तान आर्मी आज की डेट में चार बड़े एरियाज को कंट्रोल करती है। सर्विस हेडक्वार्टर्स,
द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट्स MLC, द फौजी फाउंडेशन जिसको कि फौजी ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, और द रेंजर्स। इसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के कई बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को भी पूरी तरह कंट्रोल करती है। इनमें से कुछ हैं नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल NLC, द फ्रंटियर्स वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO एंड द स्पेशल कम्युनिकेशंस ऑर्गेनाइजेशन SCO। हद तो यह है कि पाकिस्तान की वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको कि वापडा कहते हैं, उसको भी 1998 में पाकिस्तान आर्मी के अधीन कर दिया गया था। एक ऐसा इदारा जो कि सिविलियन इदारा होना चाहिए, उसको आज की डेट में पाकिस्तान आर्मी के 35,000 फौजी चला रहे हैं। दोस्तों आलम यह हो चुका है कि आज की डेट में अगर आप आंख बंद करके पाकिस्तान में एक पत्थर उछालें, वो पत्थर जिस बिजनेस एंटिटी पे जाके गिरेगा उसमें पाकिस्तान आर्मी का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। वो इन्वॉल्वमेंट या तो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, लेकिन इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान आर्मी का उस बिजनेस एंटिटी में जरूर होगा। आज की तारीख में पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के एक तिहाई हिस्से पर पाकिस्तान आर्मी का कब्जा है, चाहे वो फर्टिलाइजर और सीमेंट हो, स्टील और आयरन हो, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो, या फिर सीरियल मैन्युफैक्चरिंग जैसी छोटी इंडस्ट्री हो, उस पर भी पाकिस्तान आर्मी का ही कब्जा है। यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी के बिजनेस वेंचर्स ना ही किसी के प्रति जवाबदेह हैं और ना ही पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत इनसे किसी भी तरीके का सवाल करने का दम रखती है। दोस्तों पाकिस्तान जहाँ का आम आदमी आज की डेट में पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज है, एक एक मिनट की बिजली के लिए तरस रहा है, पाकिस्तान जिसको आज की डेट में $15 बिलियन का सिर्फ कर्जों का सूद यानी कि इंटरेस्ट चुकाने के लिए और उधार लेने की जरूरत है, वो एक एक डॉलर के लिए तरस रहा है, पाकिस्तान जिसके रिजर्व में फॉरेन रिजर्व में $6 बिलियन से भी कम पैसा बचा है, यानी कि 15-20 दिन का खर्चा मुश्किल से बचा है, पाकिस्तान जो सुई धागे से लेकर हर बड़ी चीज बनाता नहीं है, इम्पोर्ट करता है, उस पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट, सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप चला रही है उस देश की आर्मी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।